गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व इसके लेखक हैं। इस चैप्टर के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लता का गायन में क्या स्थान है और चित्रपट संगीत में नव निर्माण की अभी कितनी गुंजाइश है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर या तुलना। तो गायन में स्थान क्या है लता का? खानदानी दर्जे के गायक के समान एक अव्वल दर्जे का जो खानदानी गायक है उसको जो सम्मान देते हैं हम, वही सम्मान लता मंगेशकर को देते हैं। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक ने सवाल किया लेखक से किसी ने कि क्या खानदानी गायक की तरह लता मंगेशकर 3-3.5 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? अब लेखक उसी से प्रश्न करता है, क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा जितनी कुशलता और रसोत्कटता से लता मंगेशकर गा सकती हैं? शायद नहीं। लेखक स्वयं ही उसका उत्तर देता, कोई खानदानी गायक ऐसा नहीं कर सकता। खानदानी गायकों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक कहता है कि अक्सर ये आरोप लगाते हैं खानदानी गायक कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक का मानना इसके विपरीत है। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है, अब तो कान सुधारे हैं। चित्रपट संगीत में नव निर्माण की भी कितनी गुंजाइश है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार? लेखक कहता है हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं कि जो उन्हें उनके पास है उसी से संतुष्ट है। वे कर्म कांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं शास्त्रीय गायक, लेकिन चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीलापन और भावपूर्ण गाना चाहिए, यह काम चित्रपट संगीत ने खूब किया है। सुरीलापन और भावपूर्ण चित्रपट संगीत में लचकदारी है। उस संगीत की सीमाएं, मर्यादाएं, झंझटें सब निराले हैं। किस संगीत की सीमाएं, मर्यादाएं, झंझट निराले हैं? चित्रपट संगीत के। चित्रपट संगीत में अभी नव निर्माण की बहुत गुंजाइश है, बहुत खोज करने की आवश्यकता है। चित्रपट संगीत में इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। चित्रपट संगीत में लोक गीतों की भरमार है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है, अथाह है, इसकी कोई थाह नहीं है चित्रपट संगीत की, सॉरी संगीत की। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञ हैं लता मंगेशकर। उसकी लोकप्रियता अन्य गायिकाओं से अधिक है, इसकी लता मंगेशकर की। उसके गानों को सुनकर लोग पागल हो उठते हैं, झूम उठते हैं, और लता की गायकी का ही प्रभाव है कि शताब्दी 100 वर्ष तक लोगों के मन पर लता मंगेशकर की गायकी का जादू रहा है। लेखक अंत में कहता है एक चमत्कार है, और ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते, कई सौ सालों में एकाध बार ऐसा चमत्कार होता है, और वो चमत्कार हमारी आंखों के सामने है, यानी कि आज लता मंगेशकर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। एक विषय आता आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए ओके।